अब इंडिया में फ्लिपकार्ट और फोनपे का कारोबार और भी आगे बढ़ने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉलमार्ट के फाइनेंशियल ऑफिसर ने भारत में फ्लिपकार्ट और फोनपे का बिजनेस 100 बिलियन डॉलर के पार जाने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट और फोनपे दोनों की बिक्री में कोई अंतर नहीं है। वहीं पिछले कुछ महीनों में दोनों बिजनेसेस को ग्रॉस मटेरियल की क्वांटिटी को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग किया गया था। वहीं अगले 5 साल में विदेशी बाजार में उनके माल की क्वांटिटी को दोगुना किया जा सकता है। कंपनी को 200 अरब डॉलर यानी कि 16,20,800 करोड़ रुपए तक का सामान बेचने की उम्मीद भी है। बता दें कि वॉलमार्ट अमेरिका में स्थित एक मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी है। वहीं वॉलमार्ट के मुताबिक भारत में 1.4 बिलियन जनसंख्या की वजह से रिटेलर को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। भारत बेशक पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है। बता दें वॉलमार्ट ने 30 अप्रैल को अपने क्वार्टर रिजल्ट में भी फ्लिपकार्ट के बिजनेस में काफी बढ़ोतरी होने की बात कही थी। इसके साथ ही कुछ शहरों में नए खरीदारों को बढ़ावा भी दिया गया था और तो और विज्ञापन सेल में 50% की बढ़ोतरी भी हुई थी। आपको बता दें कि 2022 में फ्लिपकार्ट का बिजनेस 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुआ था। वहीं वॉलमार्ट ने फोनपे के भारत में बेहतर प्रदर्शन करने की भी बात कही थी। वैसे भी भारत हर महीने डिजिटल पेमेंट के नए आयाम छू रहा है। बता दें कि फोनपे पहले से ही 50% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी के साथ UPI मार्केट में लीडर बना हुआ है और अब तो भारत में रिक्शा वाले से लेकर सब्जी वाले तक हर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना बेहद ही आसान लगने लगा है। इससे उन्हें हिसाब रखने में भी दिक्कत नहीं होती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक दिसंबर में अकेले फोनपे की ऑनलाइन पेमेंट में हिस्सेदारी 46% थी। वहीं फोनपे पर फिलहाल 400 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बात निवेश की करें तो वॉलमार्ट ने मार्च महीने में 12 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 98,360 करोड़ रुपए के प्री मनी वैल्यूएशन फोनपे को दिया था। इसके अलावा 200 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,640 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। फोनपे ने भारत के सबसे वैल्यूएबल पेमेंट स्टार्टअप के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। हालांकि भारतीय बाजार में पेटीएम, गूगल पे जैसे कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, फिर भी वॉलमार्ट की बिजनेस के 100 बिलियन डॉलर के पार जाने की उम्मीद से साफ जाहिर होता है कि भारत कंजम्पशन के मामले में कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।